पिछले महीने 5 अगस्त को नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में जो कुछ हुआ वो सबको याद है। उसके बाद किस तरह से श्रीकांत त्यागी जेल में बंद है, त्यागी समाज आक्रोशित है। इसी बीच में इस बार श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने प्राधिकरण के खिलाफ दबंगई दिखाने की कोशिश की, वहीं पर पेड़ लगाकर जहां पर पहले लगाए जा रहे। जी, श्रीकांत त्यागी के नाम से चर्चा में आई नोएडा सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने अपने घर के सामने उखाड़े गए पौधे फिर से लगाने शुरू कर दिए। दावा किया कि उनको प्राधिकरण से पौधे लगाने की अनुमति मिल गई। इस दौरान जब सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया तो हंगामा बढ़ता गया। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और मामले पर कंट्रोल करने की कोशिश की। नोएडा अथॉरिटी एडिशनल CEO भी तुरंत ओमेक सोसाइटी पहुंचे और अनु त्यागी के साथ साथ सभी सोसाइटी वालों को 48 घंटे का टाइम दिया अपने अपने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए। साथ ही निर्देश भी दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस बल के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन देर शाम किसान नेता मांगेराम त्यागी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ग्रैंड ओमेक सोसाइटी के गेट पर पहुंच धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब सोमवार को नोएडा के फेज 2 कोतवाली क्षेत्र स्थित ग्रैंड ओमेक सोसाइटी के मुख्य गेट के बाहर त्यागी समाज के लोगों ने धरना दिया, पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वो अनु त्यागी के घर के बाहर से जो उखाड़े गए पौधे हैं उनको फिर से लगवाएं और साथ ही उनके घर का जो हिस्सा तोड़ा गया है उसका फिर से निर्माण कराएं। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सोसाइटी के जिन 299 फ्लैटों में अवैध निर्माण है और जिन्होंने पौधे लगाए हुए हैं उन्हें भी हटाया जाए। मांगे पूरी नहीं हुई तो मांगेराम देर शाम 29 घंटे पूरे होने पर फिर पहुंचे और उन्होंने कहा, आज जब 29 घंटे बाद भी पेड़ नहीं लगाए गए तो उसके बाद श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने खुद वहां पर पेड़ लगाने के लिए मंगाए, लेकिन सोसाइटी के लोग फिर भी तैयार नहीं हुए और खूब हंगामा खटा। मांगेराम ने कहा, प्राधिकरण ने 48 घंटे का समय दिया है जिसके अंदर इन पेड़ों को हटाने को कहा है। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जब हमें 24 घंटे का समय देकर पेड़ लगाने को कहा था तो फिर अब 48 घंटे का समय देकर क्यों हटाया जा रहा है। मांगेराम ने कहा, हमने प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा है कि सोसाइटी में कई और जगह अवैध अतिक्रमण है, उन्हें भी प्राधिकरण 48 घंटे में तोड़े या अनु के घर पर जो तोड़फोड़ हुई है उसे दोबारा बनाया जाए। मांगेराम त्यागी और उनके कुछ समर्थक सोसाइटी के सामने आए और उनका कहना था जो श्रीकांत त्यागी के घर के कैंपस के सामने से जो पेड़ हटाए गए हैं या तो उन्हें पुनः लगाया जाए, अन्यथा जो बाकी पेड़ सोसाइटी में लगे हैं उनकी जाँच करी जाए और उनके विरुद्ध भी वैसी ही कार्रवाई करी जाए। इसमें पुलिस और नोएडा अथॉरिटी द्वारा उनकी मांगों को सुना गया है और इसमें जो भी लीगली पॉसिबल एक्शन होगा एज पर द रूल्स के पेड़ कैसे लगने हैं या फिर कैसे हटने हैं वो लिया जाएगा। पूरा त्यागी समाज एक सुर में श्रीकांत त्यागी के सपोर्ट में आ चुका है और अभी क्योंकि त्यागी जेल में है तो श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी पूरा मोर्चा संभाले हुए है। पौधे कब लगवाने हैं, कब हटवाने हैं, इन्हीं सब में लगी हैं और साथ दे रहा है उनका त्यागी समाज। आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी भी ये पौधा लगाने के चक्कर में ही महिला से अभद्रता कर बैठे थे और अब जेल के चक्कर काट रहे हैं। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त को सुबह मेरठ से 3 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था, उसके बाद से वो जेल में बंद है। आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी कथित तौर पर खुद को BJP नेता बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था, लेकिन महिला के साथ बदसलूकी का उसका वीडियो वायरल होने के बाद BJP ने उससे पल्ला झाड़ दिया। स्थानीय BJP सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने त्यागी के BJP सदस्य होने से इनकार किया था। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिनमें से एक में तो त्यागी महिला के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, हाथापाई तक करता दिखाई दे रहा था। त्यागी ने महिला के पति के लिए भी कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की और अब जब इसके बाद एक नया बवाल शुरू हुआ है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।